Right guys, so today we're visiting one of the London's hidden gem called Neil's Yard. Neil's Yard is a small alley in London's Covent Garden between Shotts Garden and Monmouth Street, which opens into a small courtyard. नील्स यार्ड जो है ये 17th सेंचुरी के एक डेवलपर थे, थॉमस नील उनका नाम था, उनके नाम से मंसूब है। और फिर 1976 में एक इंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन जिनके वेरियस बिजनेस थे, उन्होंने यहाँ पे होल फूड के कुछ वेयर हाउसेज ओपन किए। तो उस टाइम पे ये बिल्कुल एक आम सा कोना था जो कि गंदा सा कोना समझा जाता था। यहाँ पे प्रॉब्ली जो यहाँ पे जो शॉप्स हैं उनकी बिन्स को यहाँ पे पार्क कर दिया जाएगा। तो लोगों ने उनको कहा कि आप पागल हो, इस छोटे से गंदे से कोने में अपने वेयर हाउसेज ओपन कर रहे हो। ये कोना उस वक्त लंदन का जो मैप है वहाँ भी शो नहीं होता था, नील्स यार्ड का नाम मैप में नहीं था। लेकिन कुछ ही अरसे में उन्होंने इसको ऐसा डेवलप किया, इसकी जो तज़ीनो आराइश है उसको ऐसा बनाया कि अब ये लंदन का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जैसे ही अभी आपने देखा कि एक छोटी सी स्ट्रीट है जहाँ से आप एंटर होके इस स्पॉट में या इस कोर्टयार्ड में आप आते हैं, और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेन की किसी स्ट्रीट पे चल रहे हैं। जो शॉप्स के जो फ्रंट्स हैं उनको ऐसा डेकोरेट किया गया है तज़ीनो आराइश, बड़ा एक पीसफुल सी फील आती है। और यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, पिज़्ज़ा मिल जाता है आपको, कॉफ़ी है। और जो फेमस यहाँ पे जो जिसकी वजह से नील्स यार्ड फेमस है वो आपकी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आपकी स्किन केयर के लिए। आपने देखा जैसे हर्बल रेमेडीज़ की डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पे, उस वजह से ये मोस्ट फेमस एक कॉर्नर समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको मिल जाता है, ब्यूटी पार्लर्स भी हैं, कैफेटेरिया है, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, एवरीथिंग। और रेमेडीज़ की जो डिफरेंट शॉप्स हैं हर्बल रेमेडीज़, वो भी शॉप्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाती हैं। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं।
सेंट्रल लंदन का जब आप विज़िट करते हैं तो यहाँ की जो तारीखी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं या स्पॉट्स हैं, उन पे इन्होंने ऐसे जो बोर्ड्स हैं वो नसब कर दिए हैं जहाँ से आपको पता मिल जाता है कि किस जगह पे कौन सा फेमस स्पॉट था। जैसे यहाँ पे लिखा है द रॉक्सी लेजेंडरी पंक क्लब था जो यहाँ पे 1976 से 1978 तक हुआ करता था। इसी जगह आपको ऐसा बोर्ड मिल जाता है जहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई फेमस सेलिब्रिटी या कोई फेमस जो इंसान गुजरा है हिस्ट्री में वो यहाँ पे रिहाइश पजीर था, उसका घर था। अब ये इन स्पॉट्स को दूसरी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यादगार के तौर पर इन्होंने यहाँ पे ये बोर्ड्स नसब कर रखे हैं। जैसे यहाँ आपको एक ये बोर्ड नज़र आता है कि यहाँ पर हेनरी थॉमस साहब कोई थे जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर थे 1913 से 2009 तक, कोई आर्किटेक्ट थे वो फेमस बरतानिया के।